हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों, एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखी है, एनिलीन है, उसके रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई है, एक्स मिला। फिर उसको बच्चों ट्रीट किया है HNO3H2SO4 से, तो वाई मिला है। वाई को ट्रीट किया है H+H2O से, तो जेड मिला है। तो प्रोडक्ट जेड ऑफ दी रिएक्शन आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपके पास है एनिलीन, साथ में है एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बन। देखो ऑक्सीजन ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये जो रिएक्शन करवा रहे हैं ना बच्चों, ये काम आती है बच्चों फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ NH2। ओके बच्चों, इससे हम क्या करते हैं, इसका जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है ना रिंग के ऊपर, उसको कम करते हैं बच्चों, उसको कंट्रोल करने के काम आता है। तो देखो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, फिर वो कोलैप्स करेगा, तो यहाँ से ग्रुप लीव कर जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है एसीटेट आयन। ओके, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलाईज हो जाएगा बच्चों। ओके, अभी जैसे एसिटेट आयन था आपके पास में, ये आएगा यहाँ से प्रोटॉन पकड़ेगा, एसिटिक एसिड बन के निकल जाएगा और फाइनली हमें एक एमाइड मिल जाएगी बच्चों। अब देखो यहाँ पर ये कैसे कंट्रोल हुआ, देखो अब यहाँ पर ये क्रॉस रेजोनेंस में आ गया ना बच्चों, एक कार्बोनिल के साथ भी और रिंग के साथ भी, तो इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट जो है वो हमने कंट्रोल कर लिया है। फिर डाला है ये एक्स बन गया बच्चों। ओके, HNO3H2SO4, ये क्या होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो नाइट्रेशन होगी। क्या होगी? नाइट्रेशन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है जिसमें NO2+ हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों। ओके, रियल एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल। अब लेकिन देखो आपने इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट कंट्रोल कर लिया है, खत्म नहीं गया है बच्चों, तो अभी भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करेगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बच्चों, जहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ऑर्थो वाला तो हमारा बहुत ही कम मिलेगा बच्चों, क्योंकि स्टेरिक एंड्रेंस हो जाएगी बच्चों, तो सीधा पैरा वाला बनाते हैं बच्चों। ओके, नाइट्रेशन यहाँ पर हो रही है बच्चों। ओके बच्चों, ये क्या बन गया, ये हमारा वाई बन गया बच्चों। ओके, उसके बाद इसका हाइड्रोलिज, जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाया ना बच्चों, इसका डी प्रोटेक्शन अब हमें करना है, H+H2 डाल दो बच्चों। ओके, हेमाइड का हाइड्रोलिसिस यहाँ पर हो जाएगा इसका। ओके, और हमें मिलेगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। क्या मिला है बच्चों, हमें मिला है यहाँ पर पैरा नाइट्रो एनिलीन। ओके, आप बेसिक हाइड्रोलिसिस भी यहाँ पर कर सकते थे, दिस इज आवर जेड। ओके बच्चों, पैरा नाइट्रो एनिलीन ये है आपका मेटा नाइट्रो एनिलीन। ओके बच्चों, ये है बच्चों, ये 1,3-dinitrobenzene, ये नहीं होगा बच्चों, 1,4-dinitrobenzene, ये भी नहीं होगा। ओके, पैरा नाइट्रो एनिलीन ये है बच्चों करेक्ट आंसर, ऑप्शन टू। और ये रिएक्शन हम क्लास 12 की एनसीईआरटी से भी रेफर कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 13 मींस पेज नंबर रहेगा आपका 395। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।